सुबह उठते हैं तो जाने का मन नहीं करता है, पर काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, खाएंगे क्या, इसलिए कारखाने में जाना पड़ता है। घर पे 5 लोग रहते हैं, अम्मा, मम्मी, पापा, बहन भाई। मेरे पापा जूते का काम करते हैं, मैं भी उनके साथ करता हूँ। भाई बहन आके स्कूल से, और मम्मी भी जूते बुनती है। पहले स्कूल जाने में बड़ी खुशी होती थी, अब पहले खेलने भी मिलता था, पढ़ाई भी करते थे स्कूल में, दोस्त भी मिलते थे खेलने के लिए, और बड़ी खुशी होती थी। मैं सरस्वती फैक्ट्री गया था तो हाथों में तकलीफ होती थी, लगती थी, दर्द होता था, तो इसलिए स्कूल की याद आती थी। फिर मैं रोज काम करने लगा तो स्कूल की याद नहीं आती थी। मैं जूते का काम करता हूँ, उसमें फिटर होती है, फिर पेस्टिंग, फिर बाटम, फिर फिनिश, फिर जाके एक जोड़ी बनती है, उसमें बहुत टाइम लगती है। पहले मैं स्कूल जाता था 4 साल पहले, फिर पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए मैं फैक्ट्री में काम करने लगा था पापा उनके संग। याद आती थी स्कूल की, अब ओले ओले काम सीखने लगा था मैं तो, फिर स्कूल भी मज़े नहीं आते थे तो मैं काम ही करता हूँ। मुझे फैक्ट्री में सिलाई मशीन चलाना पसंद। पापा को फैक्ट्री में से हफ्ते पे 2000 रुपये मिलते हैं, उसमें से मुझे खर्च के लिए 30 रुपये मिलते हैं। फैक्ट्री में जो मालिक हैं कभी कभी डांट भी देते हैं, चिल्लाए आते हैं कैसे कर रहा है, और कभी गाली भी दे देते हैं। फैक्ट्री में वो जूते बनते हैं, ताजमहल के पास एक दुकान है, उधर बेचते हैं, और बाकी का माल दिल्ली आता है। फैक्ट्री का काम सही है, पर मन करता है, सपने हैं क्रिकेट खेलने का। मैं फैक्ट्री का काम भी छोड़ दूंगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो, स्कूल जाने का।